हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं न्यूरॉन्स की रचना के बारे में बताऊंगी। वो कितने प्रकार का होता है, जैसे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैं न्यूरॉन्स के भाग, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन के बारे में बता चुकी हूँ। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, राजस्थान, PTI, DSSB, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। सभी वीडियोज को आप वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन पर बनाए गए हैं और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें बीच में रोक दी हूँ। एक दो दिन में फिर से मैं उसको स्टार्ट करूँगी, तो उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। न्यूरॉन्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, न्यूरॉन्स मुख्य रूप से सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होता है। जैसा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो न्यूरॉन्स से बना होता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि हमारे समस्त अंगों से संदेशों को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से संदेशों को लेकर के हमारे अंगों तक पहुंचाना ही इसका काम है। संदेशों को ले जाना ब्रेन तक, ब्रेन से हमारे अंगों तक ले जाना, यही काम है हमारे न्यूरॉन्स का। और इसी को मिला करके हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और दोस्तों, न्यूरॉन्स जो है, इसके तीन भाग होते हैं, जो पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके तीन भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स का होता है, वह संदेश प्राप्त करता होता है, यानी दूसरे न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाता है। एंड जो एक्सॉन होता है, वह सेल बॉडी से जो संदेश होता है उसको प्रेषण करता है आगे नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और हमारे अंगों तक संदेशों को प्रेषित करने का काम एक्सॉन करता है। ठीक है। एंड दोस्तों, आज हम जानेंगे न्यूरॉन के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे कि दोस्तों, रचना के आधार पर, जैसे कि ज्यादातर कार्य के आधार पर पूछता है सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, बट आपकी जानकारी के लिए रचना के आधार पर कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं इसके बारे में बता देती हूँ। जैसा कि दोस्तों, रचना के आधार पर जानेंगे और न्यूरॉन की कार्य के आधार पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की रचना के आधार पर, न्यूरॉन के प्रकार। रचना के आधार पर यह चार प्रकार का होता है। पहला है मल्टीपोलर, जिसे बहुत ध्रुवी कहते हैं। यह एक एक्सॉन व कई डेंड्राइट्स इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है द्विध्रुवी, यानी बाइपोलर, इसमें एक एक्सॉन व एक डेंड्राइट्स अलग अलग ध्रुवों की तरह पाए जाते हैं। तीसरा है यूनिपोलर, जिसे एक ध्रुवी कहते हैं। यह इसमें एक एक्सॉन जिसकी शीघ्र ही दो शाखाएं हो जाती हैं, डेंड्राइट्स इसमें नहीं होते। एंड चौथा होता है अध्रुवी, इसके तंतुओं में डेंड्राइट्स तथा एक्सॉन का भेद नहीं होता है, भेद करना मुश्किल होता है। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की कार्य के आधार पर, न्यूरॉन्स कितने प्रकार का होता है। यह मेन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। न्यूरॉन्स की कार्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, इसे एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, नर्व फाइबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको संवेदी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है। यह क्या करता है, संवेदी यानी सेंस का काम करता है, हमारे अंगों से संदेशों को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी कि संवेगों को संवेदी अंगों यानी कि ज्ञान इंद्रियों से, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अर्थात हमारे मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु में पहुंचाने का काम करता है। जैसे दोस्तों, कोई वस्तु हमने देखा, वह किस कलर का दिखाई दे रहा है, इस बात को हमारे आंख के माध्यम से, ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत हमारे ब्रेन को पहुंचाएगा कि यह रेड कलर का है या हरा कलर का है। ठीक। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन्स, जिसे इंप्रिएंट न्यूरॉन कहते हैं।
मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, यह हमेशा अंगों की तरफ पहुंचाता है संदेशों को, यह संदेशों को अथवा उद्दीपनों को सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से शरीर के विभिन्न कार्यकारी अंगों यानी पेशी तक ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियां कार्य करती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए दोस्तों, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी आंख ने देखा उसको कि वह वस्तु रखी हुई है या इस कलर की है, तो इस मैसेज को तुरंत सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को पहुंचा देता है और ब्रेन कहता है कि जरा उसको उठाकर देखे, सोचता है कि क्या चीज है। तो जो ब्रेन यह सोच लेता है कि इसको उठाना है, तो मोटर न्यूरॉन्स तुरंत वो हमारे अंगों तक पहुंचा देता है और हमारा हाथ उसको उठा करके देखने लगता है। तो ये होता है सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, आप इसका फर्क समझ गए होंगे। एंड तीसरा होता है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, यह पूरी तरह सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्थित होता है, उनका बाहरी वातावरण से कोई संपर्क नहीं होता है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यह बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बस फर्क समझ लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड दोस्तों जितने ही मेन पार्ट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, शायद मेरे हिसाब से पूरा हो गए हैं। एक वीडियो और इसमें बनाऊंगी, उसके बाद योगा का टॉपिक पूरा करूंगी एंड फिर एमसीक्यूज डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज देती रहूंगी। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतर तैयारी के लिए, और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।